प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार मुजफ्फर चौधरी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी नाज़िया अली खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। और वो बात करेंगे चुनावों में हो रही बोगस वोटिंग की और खासकर एक्सपोज करेंगे ओवैसी को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। देश के इतने बड़े निर्णय के वक्त में, देश के इतने बड़े फैसले के वक्त में, देश के इतने बड़े प्रक्रिया के वक्त में, देश के इतने बड़े उत्सव के वक्त में, देश के इतने बड़े फैसले के वक्त में हम कैसे नहीं चेहरा देखेंगे? हम तो चेहरा देखेंगे। और कई बार ऐसा हुआ है, 2021 में मुजफ्फर भाई, मैंने खुद विधानसभा इलेक्शन पश्चिम बंगाल में चल रहा था, मैंने कितने नगमा की जगह नाजिम को पकड़ा है मैंने बुरके के अंदर। अच्छा। हाँ? और शकीला की जगह शकील को पकड़ा है और शैला की जगह शब्बीर को पकड़ा है मैंने बुरके के अंदर से, मैंने पकड़ा है, रंगे हाथ पकड़ा है। 2021 का अगर मैं उस वक्त इंस्टाग्राम पे इतनी एक्टिव नहीं थी, आप 2021 की विधानसभा इलेक्शन के वक्त का फेसबुक पे आप मेरा जा करके देखिएगा, वो वीडियो होगा। मैंने हाथ ऐसे पकड़ करके बोला कि तुम औरत नहीं हो, मतलब अच्छे से बात नहीं कर रहा है कि जिसमें मुझे समझ में ना आ जाए। मैंने पूरा हाथ पकड़ लिया, उसका बाजू पकड़ लिया, मैंने कहा तुम औरत नहीं हो भैया, मुझे साफ समझ में आ रहा है कि तुम औरत नहीं हो, तुम्हारा हाथ से समझ में आ रहा है कि तुम औरत नहीं हो। जैसे ही पर्दा होता है मैंने कहा शर्म किस बात का, मैं तो खुद मुसलमान लड़की हूँ, अगर तुम औरत हो तो हिजाब उठाने में दिक्कत क्या है। तो 2000 जो माधवी लता जी ने 13 मई को किया है वो मैंने 2021 को ही कर दिया था। और जैसे ही पर्दा उठाया, लीजिए भाई, नगमा की जगह नाजिम था। उसके बाद उन लोगों ने क्या कहा, घर की औरतें बाहर नहीं आ सकती ना वोट देने के लिए, तो इसलिए उनकी जगह हम आ गए हैं। मैंने कहा बुरखा पहन करके आ गए, मतलब ये तो भाई सही है, तो ठीक है, तुम एक काम करो, वीडियो कॉल पे मेरी बात करा दो जिसका ये वोटर आईडी कार्ड है, मैं अब भी इस्लाम मानने को तैयार हूँ, लेकिन जिसका ये वोटर आईडी कार्ड है उससे वीडियो कॉल पे बात करा दो। अब वो वीडियो कॉल पे बात भी ना कराए, बिल्कुल बात ना कराए, मतलब वो बोगस वोटर था, वो फेक वोट था, वोटर आईडी कार्ड था, वो जो आईडी कार्ड था वो फेक था, जिसको बना करके दिया गया था बोगस वोटिंग के लिए। अब आप सोचिए कि इस तरह से पिछले 40 साल से असदुद्दीन अवैसी बोगस वोटिंग करवा करके और जीवित लोगों को मरा हुआ घोषित करवा करके वो हैदराबाद के सीट से जीतता चला आ रहा था और वाहवाही लूटता था कि लोग मुझे वोट करते हैं इसलिए मैं जीतता हूँ। अरे भैया तू चोरी से जीतता है, तू बहुत बड़ा लुच्चा है, झुटता है, तू तेरे घर परिवार के लोग गाली गलौज करते हैं, तू कैसा मुसलमान है? क्या सुन्नते रसूल मानने वाला कोई भी मर्द क्या माँ बहन की गालियां मुंह से निकाल सकता है? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और किसी खातून के लिए खासतौर पर, खातून को तो बड़ी इज्जत और इकराम देना चाहिए और उसके लिए आप गाली। अच्छा, मैं यही आपसे पूछने वाला था कि जो एक वाकया हुआ था, जैसे कि आपने बोला है कि वो अरफात ने गालियां दी हैं माधवी लता जी को, हमने वीडियो भी आपने मुझे भेजी थी, तो उसके ऊपर अवैसी साहब या किसी और बड़े मुस्लिम लीडर ने उस चीज को कंडेम किया कि हाँ हमसे गलती हो गई है, हमारे लड़के ने इस तरीके से माधवी लता जी की इंसल्ट की है, खवातीन की इंसल्ट की, उनको गालियां दी हैं, हम इस पर माफी मांगते हैं, कोई इस तरह का कुछ स्टेटमेंट आया उनकी तरफ से? कोई नहीं। कल वही तो मैं कह रही थी, नेशनल न्यूज़ कोई शर्मिंदगी नहीं उनको, कोई शर्मिंदगी नहीं, ना ना कोई शर्मिंदगी नहीं है उसको, कोई शर्मिंदगी नहीं। और किसी भी मुसलमान को माँ बहन की गालियां जो वो हम लोगों को परोसते हैं उसमें उनको कोई शर्मिंदगी नजर नहीं आती। मैंने तो आपको कितने सारे भेजे प्रूफ के तौर पर मैंने भेजे, तो उनको कोई शर्मिंदगी नजर नहीं आती है, वो कभी नहीं माफी मांगते। और कल तो वही बात मैं नेशनल न्यूज पर बोल रही थी कि आप हिजाब की बात कर रहे हैं, नकाब की बात कर रहे हैं, अरे छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि जब हम शॉपिंग मॉल जाते हैं तो वहां पर भी पर्दा लगा हुआ होता है और वहां पर भी चेकिंग होती है, तो क्या आप उसको भी मना कर देंगे? आप उसको तो मना नहीं कर सकते हैं। तो
इलेक्शन कमीशन की लेडी प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर चेक कर रही है या कोई लेडी कैंडिडेट है अगर वो चेक कर ले रही है तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है भैया? अब मैं किसी औरत को चेक कर लूँ तो इसमें क्या दिक्कत है, या कोई औरत मुझे चेक कर ले तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कल जब MIM के प्रवक्ता बैठे हुए थे लफंदर टाइप का, तो मैंने उससे यही कहा कि तुम हिजाब की बात करके तुम मेन मुद्दा हटा रहे हो। तुम कह रहे हो कि मेरी मुसलमान बहनों को हिजाब से टारगेट करके उनको वोट से वोट मतदान करने से डराया जा रहा है। पहले तुम ये बताओ कि अराफात असदुद्दीन अवैसी के भांजे ने जो माँ बहन की गालियां सरेआम दी है उस पर माफी कब मांगेगा असदुद्दीन अवैसी? वो एक शेर है ना, तो इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला किसने लूटा। तो मैं तो डायरेक्ट उससे सवाल पूछ रही थी कि भैया अराफात, मैं तो नाम भी ले रही हूँ कि अराफात ने जो गालियां परोसी माँ बहन की गंदी गंदी, ये वो ये क्या सुन्नत रसूल के मानने वाले मुसलमान ले सकते हैं क्या? अब आप सोचिए मुजफ्फर भाई कि इसी मुंह से हम नारे तकबीर अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं, इसी मुंह से हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, इसी मुंह से हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, इसी मुंह से हम इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ते हैं, इसी मुंह से हम शहादा पढ़ते हैं अशहदु अन ला इलाहा, इसी मुंह से हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और इसी मुंह से माँ बहन की गालियां, गंदी गंदी गालियां माँ बहन की। और अपने आप को चैंपियन समझते हैं, अब मुसलमानों का चैंपियन समझते हैं कि जी हम लीडर हैं, हम उनके बहुत बड़े रहनुमा हैं। अगर रहनुमा इस तरह का, जी अब मैं आपको एक मुसलमान औरत का दर्द सुनवाना चाहती हूँ। ये मुसलमानों से इतनी ऊब चुकी है, इतनी परेशान हो चुकी है कि ये अब इस्लाम ही छोड़ देना चाहती है, इतनी इतनी परेशान हो चुकी। मेरा नाम सलमा खातून है, मैं जिला संत कबीर नगर की रहने वाली हूँ, नगर चौकी थाना दुधाला से मरियामा वाला। मैं हिंदू धर्म अपनाना चाहती हूँ, मेरा सपोर्ट करिए, मेरी वीडियो जहाँ तक हो पहुँचाइए। मैं मुसलमानों के बीच में रहना नहीं चाहती, मैं मुसलमानों से तंग हो चुकी हूँ, और मेरा सपोर्ट करिए, मेरा हर जगह मेरी वीडियो पहुँचाइए, मेरा इंतजाम करिए और मेरे लिए व्यवस्था करिए। हर हिंदू भाई से मेरा यही निवेदन है, और समीर भैया तक मेरी आवाज पहुंचना चाहिए। मैं हिंदू धर्म अपनाना चाहती हूँ, मेरा नाम सलमा खातून है, मैं जिला संत कबीर नगर की रहने वाली हूँ, सलमा खातून मेरा नाम है, बाग नगर चौकी थाना दुधारा रहने वाली सुल्तानपुर की हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि समीर भैया तक मेरी आवाज पहुँचे, मेरी सपोर्ट करिए, मेरी सहायता करिए। मेरा हर हिंदू भाई से मेरा यही निवेदन है कि मेरे लिए व्यवस्था करिए और मुझे यहाँ से, यहाँ मुसलमानों के बीच से मुझे निकालिए, मेरा सपोर्ट करिए और मेरा व्यवस्था। परेशान हो गई है गाली रोज सुबह उठते उठते बैठते सोते जागते। अब ये तो भाई हिजाबन है, ये तो हिजाब भी पहनी हुई है, ये तो भाई सूम सलावत अवैसी के हिसाब से चल रही है, मदनी के हिसाब से चल रही है, बुखारी की बहू हिंदू है, हिंदू पेट से वो बच्चा पैदा कर रही है, मुसलमान उसी हिंदू के पेट से बच्चा पैदा हुए हुए को इमाम बनाएंगे और मुसलमान उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे, वो ठीक है, तब भी बुखारी अपने आप को नबी कहलवाता है, लेकिन जो मुसलमान बेटियां हैं उसको रोज बेआबरू किया जा रहा है, रोज बेइज्जत किया जा रहा है, रोज उसको उसके ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं, रोज उसको गरियाया जाता है, माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। अब आप बताइए कि ये मुसलमान है? कभी भी नहीं। क्या कर रहे हैं ये लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वैसे देखें ये बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखी हैं, टोपियां इन्होंने पहनी हुई हैं, अपने आप को ये बताते हैं कि जी ये देखे सारा का सारा दीन हमारे ही अंदर है और हम सबसे बड़े चैंपियन हैं, मुसलमान हैं सबसे बड़े, और इनकी करतूतें देख ले क्या करतूतें हैं इनकी। आपने हिजाब की जैसे जी आपने हिजाब की एक मिसाल बताई थी ना, यहाँ पर जो इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी लाल मस्जिद का आपने वाकया सुना होगा, वहाँ के जो बड़े इमाम हैं मौलाना अब्दुल अजीज, वो भी ऐसी पुलिस ने एक दफा छापा मारा था तो वो बुरका पहन के वहां से निकल गए। तो ये इनके लिए मामूली सी बात है कि अपना आइडेंटिटी को चेंज करना, वो बुरका पहनना और भाग जाना, निकल जाना। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से मुजफ्फर भाई एक बात बताती हूँ कि जिस दिन असदुद्दीन अवैसी का कॉलर मेरे हाथ में होगा
उस दिन असदुद्दीन अवैसी के घर के बाकी लोगों को हिजाब पहन करके ही पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा, और वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी को 4 जून के बाद से असदुद्दीन अवैसी को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो उसने हड़पी है वो पूरा बयान देना पड़ेगा, वो पूरा पूरा डेटा देना पड़ेगा, क्योंकि हैदराबाद की सरजमीन से बैठ करके असदुद्दीन अवैसी को मैंने चेतावनी दी थी कि डेटा तुम दो, जब तुम जब तुम्हारी पार्टी का 7 MLA यहाँ पर है और तुम सांसद हो, तुम्हारे बाप दादा से तुम लोग सांसद हो, तुम लोग MP हो बने हुए, तो ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हड़प कौन रहा है? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर ना भाई इंस्टीट्यूट बन रहा है, ना यूनिवर्सिटी बन रहा है, ना बच्चियों के लिए कोई शिक्षा का जगह बन रहा है, ना ना कब्रिस्तान, कब्रिस्तान पर भी तुम लोग मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बनवा रहे हो, अपार्टमेंट्स बनवा रहे हो, तुम लोग शॉपिंग मॉल बनवा रहे हो कब्रिस्तान के ऊपर, कब्रिस्तान की जगह को लूट करके। तो इसका डेटा दो, दूसरा डेटा दो कि हिजाब पहनाने के लिए तो बड़ा पजामा का नाड़ा टाइट करके और शेरवानी पहन करके टुंग टुंग करके दोनों बड़े बड़े और छोटे अवैसी चले आते हैं। डेटा देना पड़ेगा कि हैदराबाद से कितनी बेटियां जज बनी, कितनी बेटियां पुलिस बनी, कितनी बेटियां IAS बनी, कितनी बेटियां IPS बनी, कितनी बेटियां मजिस्ट्रेट बनी, कितनी बेटियां टीचर बनी, कितनी बेटियां वकील बनी, कितनी बेटियां प्रोफेसर बनी, कितनी बेटियां पढ़ लिख करके ग्रेजुएट होने के बाद शादी की है, ये भी डेटा को। तीसरा मेरा सवाल है कि कितने लड़कों को तुमने बैरिस्टर बनाया, क्योंकि तुम तो विदेश से बैरिस्टर बन करके आए हो, तो तुमने अपने अपने कन्विंसिंग पावर से मुसलमान के कितने हैदराबाद के लड़कों को तुमने बैरिस्टर बनाया, इसका भी डेटा तुमको देना पड़ेगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे नाज़िया खान जी ने चुनावों में हो रही बोगस वोटिंग यानी फेक वोटिंग को एक्सपोज किया, बल्कि ओवैसी को भी एक्सपोज किया, जिसका भांजा या भतीजा जो भी था सरेआम रोड पे खड़े होके माधवी लता जी को गालियां देते हुए दिखाई दिया। वो वीडियो भी आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल थी। इसी से इन्हीं कट्टरपंथियों की मानसिकता का पता चलता है कि कैसे एक औरत एक महिला को आगे बढ़ता हुआ देख के इनको कितनी ज्यादा तकलीफ होती है और इस बात को ये झेल नहीं पा रहे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।